हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर कल जब पोस्ट डाली थी तो वहां पर कमेंट में एंड मेरे पास डीएम में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इसका ट्यूटोरियल दो एंड बाकी सारी फोटोज का भी ट्यूटोरियल इसी तरह से मांगते हैं, लेकिन मैं सबका नहीं ला पाता हूं। गाइस, आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक ज्यादा करना है, कमेंट वगैरह सब कुछ करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिला करे ट्यूटोरियल बनाने में, क्योंकि ट्यूटोरियल में जब भी डालता हूं तो उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता जितना कि अदर वीडियो पर आता है। तो अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं क्यों हटूंगा पीछे बनाने में, क्योंकि मैं जो भी फोटो बनाता हूं मुझे कंटेंट मिल जाएगा। मैं रेगुलर आपको अपने हर फोटो का ट्यूटोरियल देता रहूंगा, तो बस आप अपना रिस्पांस अच्छा बनाए रखिए एंड मेरे सारे के सारे फोटोज के आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बाकी आप इंस्टाग्राम पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन से फोटो का ट्यूटोरियल आपको चाहिए, वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझको डीएम भी कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो लेट्स सबसे पहले फोटो एडिट करने से पहले हम अपने बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बैकग्राउंड हमारा कुछ इस टाइप से है एंड सबसे पहले इसकी लाइटिंग को समझिए। इसमें जो लाइट्स आ रही हैं वो सारी पीछे से आ रही हैं, तो हम जो अपने फोटो को क्लिक कराएंगे उसका जब कटआउट निकालेंगे तो उसमें लाइटिंग भी हमको बनाना पड़ेगी ऐसी कि वो बैक से आ रही हैं। तो सबसे पहले हम अपने कटआउट में लाइटिंग ऐड करेंगे। सो गाइज, ये रहा मेरा कटआउट। इस कटआउट में हमको सबसे पहले लाइटिंग्स ऐड करनी है, जैसे कि बैकग्राउंड में बैक से लाइट्स आ रही हैं उन लाइट्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा। मैं गैलरी में हूँ अपनी, तो यहाँ से हम लोग पिक्सेल प्रो में इसको शेयर कर देंगे। यहाँ से आप लोग मैक्सिमम साइज इसका चूज़ कर लेना एंड यहाँ पर ये जो हमने फ़ोटो का ऐड किया है ये आपका PNG फॉर्मेट में ऐड हुआ है एंड इसको आप लोग सेव करेंगे तब भी PNG फॉर्मेट में सेव होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइटिंग ऐड करने के लिए हमको ये सबसे पहला जो ऑप्शन है एडजस्ट, इस ऑप्शन के अंदर चलना होगा एंड यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा पेंट मास्क एंड सिलेक्शन का। इस ऑप्शन के अंदर आप लोग चले जाइए एंड ऊपर ये ग्रीन कलर का जो है वो ब्रश है एंड ये है इरेजर। तो ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, साइज़ स्टार्ट में आप लोग को बड़ा रखना है एंड सबसे पहले आप इस टाइप से इसको सिलेक्ट कीजिए एंड ये ध्यान रहे कि इससे आप डरे नहीं कि यहाँ पर चल चुका है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो वो बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, सिर्फ आपके कटआउट पर ही चलेगा। तो इसके बाद आप इस टाइप से चला दीजिए एंड इसके बाद इरेजर में जाइए एंड इसकी स्ट्रेंथ को कम कीजिए, साइज़ आप बड़ा ही रखिए एंड इसके बाद यहाँ से हल्के से फेडली आपको रिमूव करना है, बहुत ही हल्के से नॉर्मली फेडली रिमूव करना है, जिस तरह से हमारे बैक मतलब कि बैक में लाइट आती है उस टाइप से आपको बस रिमूव कर देना है एंड रिमूव करने के बाद जहाँ भी आपको नीड हो वहाँ वहाँ पर हम लोग लाइटिंग की इस ब्रश को चला देंगे। सो गाइज, ब्रश को चलने के बाद आप ऊपर एरो पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद गाइज आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट का। इस ऑप्शन पर बस आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट के बराबर में 3 डॉट्स मिलेंगे, इसमें से आपको एक्सपोजर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे ये पॉइंट है, इसको प्लस की साइड आपको बढ़ा देना है एंड आप लोग देख सकते हैं आपके मॉडल में ये लाइट ऐड हो चुकी है एंड इसको माइनस करेंगे तो लाइट हमारी रिमूव हो जाएगी। तो हम बस प्लस की साइड ले चलेंगे एंड इतनी ही नॉर्मल हमको लाइट रखनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी लाइट्स नहीं है वहाँ पर, बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बस लाइट यहाँ पर रखनी है एंड यहाँ से आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद एक्सपोर्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑप्शन में चलने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं PNG फॉर्मेट में हमारा है एंड ये PNG में ही हमारा सेव होगा। तो बस हम यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव एंड अब हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को लेकर आएंगे। सो गाइज, मैंने दोबारा से पिक्सेल प्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है एंड यहाँ से हम लोग गेट अप पिक्चर पर चलेंगे एंड इम्पोर्ट ऑप्शन के अंदर चलेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग को अपना बैकग्राउंड लेकर आना है, तो यहाँ से हम लोग अपना बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। डाउनलोड सेक्शन में चलता हूँ एंड यहाँ पर ये है मेरा बैकग्राउंड एंड इस बैकग्राउंड को हम सिंपली से ऐड कर लेते हैं। मैक्सिमम साइज़ आपको चूज़ करना है हर बार जब भी फोटो एडिटिंग करो। तो यहाँ पर अब आप लोग को मिलेगा इफेक्ट ऑप्शन, जिसमें से कि इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से अब जो हमने अभी अपने फ़ोटो को सेव किया था उस फोटो का कटआउट यहाँ पर ऐड कर लेना है एंड यहाँ पर राइट पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, इसको ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना ज़्यादा छोटा रखना है एंड परफेक्ट एडजस्टमेंट करने के बाद इसको हम लोग छोड़ देंगे एंड शैडो वगैरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को परफेक्ट एडजस्टमेंट करना है।
तो यहाँ पर ये इतना ठीक है, राइट पर हम डन करेंगे एंड एक बार फिर से एंड यहाँ से नो कर देंगे। तो अब हमारा जो मॉडल है वो मतलब कि एडजस्ट हो चुका है परफेक्टली। एंड अब हम बनाएंगे शेडो। शेडो बनाने के लिए इफेक्ट ऑप्शन में चलना है, पेंट में चलना है, ऊपर कलर यहाँ पर मिलेगा, मेरा ब्लैक सिलेक्ट है, अगर सिलेक्ट ना हो तो आप ब्लैक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद बस ब्रश पर आप लोग चाहिए एंड ये सॉफ्ट वाला ब्रश लीजिए। सबसे पहले आप इसका साइज़ बड़ा ही रखिएगा एंड इसके बाद आप लोग सबसे पहले लाइटिंग को देखिए, पीछे से आ रही है तो हमारी शेडो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग ये कुछ क्रिएट कीजिए इस टाइप से, ठीक है। अब आप लोग को इरेजर में चलना है, साइज़ बड़ा ही रखना है, स्ट्रेंथ कम रख लेनी है आपको। एंड इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल्के से क्रिएट करेंगे। एंड इसको सॉफ्टली आपको बस रिमूव कर देना है इस टाइप से। एंड अब आप लोग देख सकते हैं हमारी शेडो बन गई है। एंड अगर आप लोग का एक्स्ट्रा ब्रश चल जाता है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बाकी का आप लोग देख सकते हैं हमारी शेडो क्रिएट हो चुकी है। एंड अब आप लोग अपना लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एंड मेरा ऑलरेडी एक्सपोर्ट है तो मैं फाइल का ऊपर से नेम चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अब हम चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड इसकी रिटचिंग कर देते हैं बहुत अच्छे से। देखो भाई हम आ गए हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में, अब आपको जो भी कलर वलर मैच करना है वो देख लो, फिर मत बोलना मुझको, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड यहाँ पर अभी हमारा कोई भी कलर मैच नहीं है। तो कलर मैच करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कलर टूल में, हमारी लाइटिंग सारी एडजस्ट है ऑलरेडी तो हम नहीं करेंगे। इसके अलावा हम चलते हैं कलर टूल्स में एंड इसके बाद जाएंगे मिक्स टूल के अंदर। एंड मिक्स टूल के अंदर चलने के बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी स्किन की हल्की सी ल्यूमिनस बढ़ा सकते हैं ताकि आपके फेस में थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाए। उसके अलावा आप अपनी ब्लू जीन्स अगर पहने हुए हैं इसकी ह्यू को माइनस की साइड रख के एंड इसकी हल्की सी सैचुरेशन को भी माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहां से कर दीजिए डन। डन करने के बाद आपको चलना होगा ये इफेक्ट वाले ऑप्शन में, यहां से आप लोग इसे स्प्लिट टोन को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से अब गाइज आपको ये हाइलाइट्स एंड शेडो दो ऑप्शन मिलते हैं, तो शेडो अगर आप लोग शेडो के मतलब कि कलर्स वगैरह यहाँ पर छेड़ोगे तो सिर्फ शेडोज के चेंज होंगे, हाइलाइट्स के छेड़ोगे तो हाइलाइट्स के चेंज होंगे। एंड ज़्यादा मत छेड़ना वरना पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। सो गाइज हमको छेड़ना है शेडोज़ वाले कलर्स को, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, हल्का सा ग्रीन साइड इसको ले चलना है एंड नॉर्मली जहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ से कर दीजिए डन। डन करने के बाद गाइज आप यहाँ से इसकी हल्की सी क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन में एंड बाकी का आप लोग ग्रेन इफेक्ट डाल सकते हैं इतना, एंड इसका साइज छोटा करके रफनेस आप इसकी बढ़ा दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके अलावा अब हम लोग को इसकी डिटेल्स बढ़ा देनी है, शार्पनिंग एंड डिटेल एंड मास्किंग, नॉइज रिडक्शन, डिटेल कॉन्ट्रास्ट, कलर नॉइज रिडक्शन एंड इसके अलावा डिटेल स्मूथनेस एंड बाकी सब कुछ, ये हमारा कलर एडजस्टमेंट हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर काफ़ी हमारा कूल लग रहा है, हमने ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं की लेकिन काफ़ी हद तक मैच हो चुकी है। लेकिन हाँ अभी पूरी कलर ग्रेडिंग तो हो चुकी है, एक चीज़ और करना है आपको, ऊपर जो सिलेक्टिव वाला ऑप्शन है, अगर आपके पास ये लाइटरूम अनलॉक एप्लीकेशन नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से हम लोग को ये स्क्वायर वाला ये चूज़ करना है एंड आपको इस टाइप से इसको रोटेट कर लेना है एंड यहाँ पर इसका पॉइंट सेट करके अब आपको एक चीज़ करनी, लाइट वाले ऑप्शन में चलना है, इसके एक्सपोजर को कम कर देना है ताकि थोड़ी सी शेडो जैसी बन जाए तो काफ़ी हद तक रियल लगेगा। इसके अलावा आप लोग राइट पर क्लिक कीजिए एंड आप लोग अपने इमेज को सेव कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो में। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो जाओ करो यार, काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट डालता रहता हूँ। और जो भी ट्यूटोरियल मांगना हो, जिस फ़ोटो का आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो फ़ोटो उसका आपको मिल जाएगा, बस वहाँ पर जाकर कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।